हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर सैयदी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शमीम भाई के वालिद साहब इस दुनिया से रुखसत हुए। अगर वो आशिके नबी ना होते तो आज क्या यहाँ महफिल होती? क्या बात है। अगर वो इश्के नबी में ना जाते तो यहाँ इश्के नबी में उनकी औलाद महफिल ना सजा रही। क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब कोई मोमिन दुनिया में आता है तब भी महफिल होती है, और जब वो दुनिया से जाता है तो भी महफिल होती है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, आप सोचो कि मैं यहाँ जाके ऐसा कर लूँ, वहाँ जाके वैसा कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा करने से वैसा करने से हमारे ऊपर से अज़ाबे इलाही हट जाएगा। तो ऐसा करने वैसा करने से इशारे में मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। जब तक आप जिक्रे खुदा नहीं करेंगे और जिक्रे नबी नहीं करेंगे और जिक्रे औलियाए कामिलीन नहीं करेंगे तो आप पर से अज़ाबे इलाही नहीं हटेगा। क्या बात। और जब किसी ने बाबू कहा है कि जहां जिक्रे हबीब होता है, सैयदना, जहां जिक्रे हबीब होता है, मतलब ये कह दीजिए सुभान अल्लाह। हमारे हिंदुस्तान के तमाम खित्तों में शायरी करने वाला वो शायर जिसे हाशिम रज़ा कानपुरी कहते हैं, वो भी तशरीफ रखते हैं। खैर, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जहां जिक्रे हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। जहाँ जिक्रे हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। अरे उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। और कहना यह है कि अब जिक्रे नबी होगा। अभी इससे पहले हजरत हाफिज़ हाशिम रज़ा कानपुरी साहब ने तिलावत कुरान अज़ीम, तो तिलावत जो है कुरान अज़ीम